हाय कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा चंद्र प्रणाम। Oh,
भगवान श्री गौरंग चंद्र पुकार रहे हैं, उठो उठो सोती आत्माओं, उठ। लंबे काल से तुम माया पिशाचिनी की नींद के गोद में सो रहे हो। इस जन्म मृत्यु के संसार में आते समय तुमने कहा था, हे भगवान, निश्चित ही मैं आपका भजन करूंगा, किंतु अब अपने वचन को भूल गए और अविद्या के अंधकार में डूब गए। केवल तुम्हारे उद्धार हेतु मैंने अवतार लिया है, मेरे अतिरिक्त आखिर तुम्हारा कौन मित्र है? मैं माया रूपी रोग को जड़ से उखाड़ने की औषधि लाया हो, अब प्रार्थना करते हुए यह हरे कृष्णा महामंत्र मुझसे ले लो। भक्ति विनोद श्री गौरंग महाप्रभु के चरण पर गिर पड़ते हैं और हरिनाम की भिक्षा मांगने के पश्चात उन्हें महामंत्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद भक्त इंदिया और तेजस्वी माता जी, हमेशा की तरह बहुत सुंदर तरीके से आपने गायन की, तो हमारा बहुत खास धन्यवाद और प्रार्थना है आप लोगों के लिए। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। अब हम आगे बढ़ते हैं आज का मुख्य कार्यक्रम की तरफ, और आज से हमारा जो होस्ट है हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद दास प्रभु जी, अभी धाम दर्शन भी करके आए हैं, तो हम प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु जी आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी? यस यस प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज का नित्यम भागवत सेवा में। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके तो हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, आज का दिन मंगलमय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हम श्रीमद् भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य कथा, आज हम इस ग्रेस नंद किशोर प्रभु के द्वारा उनके मुखारविंद से सुनेंगे। तो हरे कृष्णा सुभाष प्रभु, प्रभु आ गए हैं, उनका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रभु 2 मिनट में जुड़ेंगे। तो प्रभु से बात की है, उनका जो इंटरनेट का कुछ इश्यू है, तो प्रभु आते समय ही उनका जो परिचय करवाएंगे आप सभी भक्तों की और मेरा खुद शुद्धिकरण के लिए। तो हिज ग्रेस नंद किशोर प्रभु, हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश स्वामी नरसिम्हा स्वामी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। उन्होंने इस्कॉन जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संपर्क में आ गए 2006 में, और उनका पहला जो हरिनाम दीक्षा 2011 में संपन्न हुई, और उनकी जो मेजर सेवा है प्रभु के बारे में बताना है तो अनगिनत सेवाएं हैं। एक प्रभु के बारे में बताना है तो अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, जो प्रभु का जो कीर्तन कीर्तनीय सदा हरि, वो प्रभु का एक स्पेशलिटी है, आप सबने देखा ही होगा। प्रभु कभी भी हम प्रभु का दर्शन होता है उनके पास हमेशा वो चैंटिंग बैग रहता है और हमेशा वो चैंटिंग करते रहते हैं। तो कीर्तनीय सदा हरि इतना इसी नहीं है, प्रभु तो आचार से प्रचार होता है, तो प्रचार कैसा करना है प्रभु से ही हम सीख सकते हैं। और उनका जो प्रीचिंग मोड भी बहुत सुंदर है, जो आचार्यों ने दिया हुआ टिप्पणी, तो आप इट इज वो बताते हैं। और तो प्रवचन के समय भी जो महाराज या सीनियर डिवोटी ने बताया है उनका नाम उल्लेख करके ही वो उनका जो प्रीचिंग होता है, जो भी वो रेफरेंस देते हैं तो ये महाराज ने बताया था, वो नाम लेके उसका उल्लेख करते हैं। और उनकी जो मेजर सेवा है, जैसे हम कैलेंडर जो दामोदर देश में उपलब्ध है, वो ग्राफिक डिजाइनर, वो सब प्रभु के द्वारा ही होता है। और सारथी सेवा, बहुत सेवा करते हैं प्रभु, जैसे महाराज जैसे सीनियर डिवोटी आते समय और उनको लेके आना जाना, और दूसरे भक्तों को भी सेवा उपलब्ध करवाते हैं।
और फंड रेसिंग, उसमें भी प्रभु का बहुत सारा सेवा होती है। और दूसरा है लाइव ट्रांसलेशन, तो हिंदी अनुवाद तो प्रभु इतना सुंदर तरीके से करते हैं, जो भी ट्रांसलेशन हिंदी इतना शुद्ध तरीके से करते हैं। और प्रभु उनकी जो धर्म पत्नी और उनके दो बच्चे हैं, वो भी भक्ति में उनका सहयोग देते हैं। हरे कृष्णा, प्रभु आप आ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभु। Can you hear me, Prabhu? Hare Krishna. Yes, yes, Prabhu, very much. Hare Krishna. Sorry, my throat is a little bad, so please excuse me for that. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत् कृपा त्वमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण वेरी मच प्रभुजी फॉर दिस सेवा वंस अगेन। मैं सबका आशीर्वाद का विनती करता हूँ आप सबके बीच इस विषय में कुछ किया पाने के लिए। आप सबसे सेवा मिला है तो आपसे ही सेवा करने की शक्ति भी मिली है। आप सब आपका आशीर्वाद दीजिए और क्षमा कीजिए, शायद मेरा आवाज 100% सही नहीं है, थोड़ा थ्रोट खराब है। लेकिन इस दुनिया में सभी का थ्रोट खराब है, क्योंकि थ्रोट खराब हो सकता है तो ये पूरा बॉडी ही कभी भी रोग में फंस जाता है। इसलिए बाय डेफिनेशन ही ये बॉडी खराब है, तो इसलिए हमको स्पिरिचुअल बॉडी पाने के लिए प्रयास करना चाहिए जो कभी भी रोगग्रस्त नहीं हो सकता है। तो हरे कृष्णा, तो आज का श्लोक संख्या 26 से 28 तक है, तो आपका कृपा से इसमें कुछ कहने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तस्मिन् अभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवौ पुरं भोज कथं जग्मो सांबा प्रद्युम्नकादयः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद के सभी अनुयायों की जय। तस्मिन् उस अभ्युदय हर्ष की घड़ी में राजन, हे राजन, रुक्मिणी रुक्मिणी, राम केशवो
बलराम तथा कृष्ण पुरम नगरी में भोजकटम भोजकट जगमुहु गए सांब प्रद्युम्नक आदय सांब प्रद्युम्न तथा अन्य। हे राजा, उस विवाह के उल्लासपूर्ण अवसर पर महारानी रुक्मिणी बलराम कृष्ण तथा कृष्ण के अनेक पुत्र जिनमें सांबा तथा प्रद्युम्न मुख्य थे भोजकट नगर गए। श्लोक 27 और 28। तस्मिन् निवृत्त उद्वाहे कालिंग प्रमुखा नृपाः दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोत्पुर परम अक्षय अनक्षद्यो हि अयम् राजत् अपि तद्व्यसनं महत् इति उक्तो बलम् आहुयः आहुय तेनाक्षय रुक्मि अदीव्यत। एक बार फिर शब्दार्थ और अनुवाद, क्योंकि तात्पर्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा जय श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों की जय। तस्मिन् उसके निवृत्ते समाप्त हो जाने पर उद्वाहे विवाह उत्सव में कालिंग प्रमुखा कालिंग राज इत्यादि नृपाह राजा घप्ताह घमंडी ते वे रुक्मिणं रुक्मी से प्रोचभु बोले बलम बलराम को अक्षय चौसर से विनिर्जय जीत लो अनक्षज अनक्षज्ञ चौसर खेलने में पटु नहीं ही निसंदेह अयम वह राजन हे राजा अपि यद्यपि तथा उससे व्यसनम उसके व्यसन को महत महान इति इस प्रकार उक्तः कहा गया बलम बलराम को आहूय बुलाकर तेना उससे अक्षय चौसर से रुक्मी रुक्मी अदिव्यत खेलने लगा। विवाह हो चुकने के बाद कालिंगराज इत्यादि दंभी राजाओं की टोली ने रुक्मी से कहा तुम्हें चाहिए कि बलराम को चौसर में हरा दो। हे राजन, वे चौसर में पटु नहीं है, फिर भी उन्हें इसका व्यसन है। इस तरह सलाह दिए जाने पर रुक्मी ने बलराम को ललकारा और उनके साथ चौसर की बाजी खेलने लगा। कम करो थी वाचालम पंगम लंगाए थे गिरम यत कपात माम मंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो श्रीमद् भागवतम से हम सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम वांग्मय अवतार है भगवान कृष्ण का। कृष्णा तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रतिश्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय। कृष्णा और भागवतम में कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम कृष्णा और भागवतम के संपर्क में आके शुद्ध होंगे। इसी प्रकार से इस विषय में कुछ कहने के पहले हम श्रीमद् भागवतम को नमन प्रणाम करते हैं और उससे श्रीमद् भागवतम की कृपा की विनती करते हैं जो कृष्ण से अभिन्न है, ताकि उसके विषय में हम कुछ सुन पाए। तो विषय चल रहा है यहाँ पर विवाह हो रहा है, अनिरुद्ध का विवाह हुआ है और विवाह में सब आए हैं। यहाँ पर बताया गया है कृष्णा बलराम रुक्मिणी। तो विवाह होने के बाद
रुक्मी पहले ही भगवान के विरुद्ध था, भगवान द्वारा उसको पहले भी भगवान द्वारा एक बार वो माफ कर दिया गया था रुक्मिणी के कहने पर। तो अब फिर वहां के राजाओं से मिलके ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बलराम को गैम्बलिंग चौसर में हरा दिया जाए, क्योंकि बलराम इसको नहीं जानते, ऐसा ये राजा सोच रहे हैं और रुक्मी को बोल रहे हैं। तो इस विषय में मैं कुछ कथाएं सुन रहा था, तो वहां बताते हैं पहले कि बलराम जी कौन है। बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार है, कृष्णा के विस्तार दो तरीके से होते हैं, स्वयं शक्तिमान के तरफ से और उनकी शक्ति के तरफ से। शक्ति के तरफ से पहला विस्तार है श्रीमती राधा रानी, और शक्तिमान की तरफ से है भगवान बलराम। तो बलराम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। शिला प्रभुपाद भी कहते हैं कि बलराम इज सर्वेंट गॉड, सेवक भगवान। और हमने ये सुना भी होगा और जानते भी हैं कि बलराम अन्य प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, हालांकि वो भगवान ही है लेकिन सेवक भगवान है। धाम में विस्तृत होते हैं, कृष्ण का पलंग मृदंग, इस प्रकार बलराम भगवान से अभिन्न है और सेवक भगवान है। तो यहाँ पर ये लोग मिलके बलराम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो सिद्धांती रूप से इसमें पहले बताया जा रहा था ये बद्ध जीव भी यही करता है। किसी का माइक अनम्यूट ऐसा है, तो बद्ध जीव भी यही करता है, वो इस भौतिक जगत में भगवान को बेवकूफ बनाने का कोशिश करता है। पहले वो जानता नहीं है कि भगवान कौन है, जैसे कि यहाँ पर ये राजा जानते नहीं थे कि बलराम कौन है। तो बलराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि उसको चौसर नहीं आता है, उसको बुद्धू बना दो और जीत जाओ। तो वो बलराम है। तो उसी प्रकार से इस दुनिया में सब लोग मिलके भौतिक जगत में ये जानते नहीं है कि भगवान कौन है, और जो भी है उसको बेवकूफ बनाएंगे। अभी ही आने वाले संडे को श्री नरसिम्हा चतुर्दशी है, उसमें भी हिरण्यकशिपु ने यही प्रयास किया कि भगवान को बेवकूफ बनाया जाए। बहुत तपस्या की, एक टांग पर खड़े रहे, तो ब्रह्मा जी आ गए, सृष्टि में उत्पात हो रहा है, अरे भैया क्या चाहिए, इतना तपस्या कर रहे हो कि पूरा शरीर भी चींटियों ने खा लिया, केवल हड्डी का ढांचा बचा हुआ है, क्या चाहिए तुमको? मैं अमर होना चाहता हूं। मैं भी अमर नहीं हूं, ब्रह्मा जी बोले, तुमको कैसे दे दूं? नहीं नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, अमर नहीं दे सकते हो तो मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, कोई व्यक्ति से नहीं मरूं, कोई जानवर से नहीं मरूं, कोई शस्त्र से नहीं मरूं, किसी के हाथों से नहीं मरूं, ऐसा बहुत छह कंडीशन रखा। तो बात वही थी भगवान को बेवकूफ बनाने के लिए, कि अगर ब्रह्मा मुझे अमर होने के लिए नहीं दे सकता तो बेवकूफी से अमर होने का वरदान ही ले लूं। लेकिन हमको पता है, और इस संडे को फिर सुनेंगे कि क्या हुआ। हिरण्यकशिपु तो भगवान को बेवकूफ नहीं बना पाया, भगवान आके खंभे से उनको मार दिए। तो यहाँ पर ये लोग भी मिलके भगवान को ही, जो भगवान के पहले विस्तार है बलराम को, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लेकिन आगे क्या होगा हम सुनेंगे, और रुक्मी मार दिया जाएगा। तो सिद्धांत ये है कि भगवान की स्थिति समझना है
और उनको सरेंडर करना है, ना कि उनको बेवकूफ बनाना है। ये भौतिक दुनिया में यदि भक्ति का कार्य नहीं हो रहा है तो सुबह से शाम भगवान को बेवकूफ बनाने का ही प्रयास चल रहा है। आपके बाल सफेद हो गए, ये डाई लगा लो, काले कर लो, भगवान को बेवकूफ बनाने का तरीका। क्योंकि भगवान की प्रकृति द्वारा बाल सफेद होंगे नहीं, नहीं, हम भगवान का सिस्टम बदली कर देंगे, उसको पता भी नहीं पड़ेगा, हम काले कर देंगे, नहीं होगा भगवान को बेवकूफ बनाना। जिसने डाई की कंपनी बनाई उसके परिवार में भी सब लोग मरते ही जा रहे हैं। के बाद एक हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, बीमारी रोक देंगे। भगवान का नियम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अरे फिकर नहीं करो यार, हमारे पास बहुत पैसा है, हम हॉस्पिटल बना के उसको बेवकूफ बना देंगे, बीमारी मृत्यु निकाल देंगे। नहीं होगा सर, जितने हॉस्पिटल हैं हर हॉस्पिटल में डेड बॉडी का डिपार्टमेंट है और वो बढ़ते ही जा रहा है। कोई भी हॉस्पिटल में बीमारी बढ़ते ही जा रहा है, बीमारी और मृत्यु बंद नहीं हुई। तो इस प्रकार से इस भौतिक दुनिया में भगवान को बेवकूफ बनाने का प्रयास ही हो रहा है। और आगे हम पढ़ते हैं कि रुक्मी भगवान को दांत दिखा के हंसता है। तो यही हम करते हैं इस मटेरियल दुनिया में, सब हंसते रहते हैं, हाउ आर यू, है आई एम फाइन। वही भगवान को दांत दिखा के हंस रहे हैं और भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बलराम ने अपने क्लब गदा द्वारा एक वार में ही रुक्मी को समाप्त कर दिया। और हम कितना भी सफेद दांत करके इस दुनिया में हंसते रहे, समय के यंत्र द्वारा भगवान एक वार से ही सबको मृत्यु लोग भेज रहे हैं। तो जो ये लीला में हो रहा है वही इस दुनिया में हो रहा है, भगवान को लोग बेवकूफ बना रहे हैं और उनका नाश हो रहा है। कुछ टाइम के लिए हमको लगता है हम सफल हो रहे हैं, लेकिन ये इल्यूजन है, ये भ्रम है। हमको लगता है नया हॉस्पिटल खुला है, बड़ा वाला, हम सफल हो गए, लेकिन ये भ्रम है, कुछ सफल नहीं हुए। पहले छोटे हॉस्पिटल में लोग मरा करते थे, अब बड़े हॉस्पिटल में मरेंगे, मरने का प्रॉब्लम गया नहीं। पहले छोटी चारपाई या खटिया में बीमार आदमी लेटा रहता था, अब 100 बटन है बेड में, इधर जाता है, उधर चपाओ, नीचे जाता है, टीवी है, अब बटन दबाओ, नर्स आती है, ऐसे बेड में बीमार लेटे हुए हैं, लेकिन बीमार तो लेटे हुए हैं। बेड फोल्ड हो रहा है या सिंपल खटा चारपाई का बेड है, वो एडवांसमेंट करके बीमारी नहीं निकाल पाए हम। तो भगवान के नियमों को हम नहीं बदल पाएंगे। इन नियमों से निकलना है तो भगवान का शुद्ध दास बन के उनका शरण लेना पड़ेगा। अभी हम, अरे बलराम को चौसर नहीं आता है, हरा दो। अरे भगवान को, भगवान ने ये नियम बनाया, इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, अरे उसको नहीं पता, हम इसको हटा देंगे। बट हम अगर धीर होके देखेंगे, हम इसमें से कुछ नहीं हटा पाए, बस हमने सफलता का लेबल लगा दिया, वास्तविकता में हम सफल नहीं हुए। जन्म अभी भी है, शायद अभी अलग तरीके से जन्म हो रहा है, सेरोगेसी हो रहा है, किसी का बच्चा किसी के गर्भ में, IVF हो रहा है, बिना मैथुन के बच्चा, आपका वीर्य दे दो, हम पत्नी औरत में डाल देंगे, परंतु जन्म बंद नहीं हुआ, जन्म की प्रक्रिया बंद नहीं हुई। आप वीर्य को इधर से लेके उधर से लेके उस गर्भ में डाल सकते हो, लेकिन फिर भी वीर्य माँ के पेट में बच्चा बन रहा है, वो भगवान के नियम से ही चल रहा है, वो चेंज नहीं हुआ। तरीका आपने कुछ चेंज किया, लेकिन फिर भी कंट्रोल भगवान के पास ही है। हर IVF हर सेरोगेसी सक्सेसफुल नहीं होती है,
मृत्यु हम चेंज नहीं कर पाए, भगवान का नियम अभी भी चल रहा है। हॉस्पिटल बेशक बड़े हो गए, बिल बड़े हो गए, लेकिन मृत्यु वैसी ही है। शिला प्रभुपाद कहते थे डेथ रेट इज सेम 100%, हम चेंज नहीं कर पाए। ओल्ड एज हम चेंज नहीं कर पाए, ओल्ड एज पहले भी थी अभी भी है। शायद अलग अलग गैराज खुल गए इस ओल्ड बॉडी को रिपेयर करने के लिए, लेकिन बॉडी ओल्ड होगी, डिजीज हम चेंज नहीं कर पाए। हमेशा इस होलीनेस जयद्वीप स्वामी महाराज कहते हैं इस शरीर का हर हिस्सा, उसमें आपको 1,00,000 बीमारी मिलेगी। अगर आप गूगल में जाओ सर्च करो प्रॉब्लम्स विद द टीथ, बहुत मिलेंगे, जिंजिवाइटिस, टीथ डार्कनिंग, इन्फेक्शन, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट योर टीथ, मोलार टीथ एक्स प्रॉब्लम, विजडम टीथ प्रॉब्लम, गम्स प्रॉब्लम, मुंह को लेके 1,000 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम विद द ईयर्स 1,000 मिलेंगे, प्रॉब्लम विद द नी, नी वाटर भर गया, नी कैप में प्रॉब्लम। तो ये बॉडी में इतना प्रॉब्लम है वो और बढ़ते ही जा रहा है, हम उसको कुछ चेंज नहीं कर पाए। तो सिद्धांत यही है कि जैसे यहाँ ये लोग बलराम को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये अपने मुंह के बल आके गिरे, उसी प्रकार से जब तक हम भगवान को उनके नियमों को चूना लगाने का, अपने तरीके से लांगने का प्रयास करेंगे, हम मुंह के बल ही गिरेंगे। काल द्वारा हम मरेंगे ही और कुछ नहीं होगा। अगर हम इन नियमों को लांगना चाहते हैं तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मेथड है, बट दैट ओल्ड एज डिजीज नहीं चाहिए तो वो स्पिरिचुअल फॉर्म में अवेलेबल है, मटेरियल एडजस्टमेंट करके नहीं मिलेगा। यहाँ बर्थ होगी ही, यहाँ डेथ होगी ही, यहाँ ओल्ड एज होगा ही, डिजीज होगा ही। दूसरा सिद्धांत, बलराम आदि गुरु है। बहुत बार हम आंदोलन में जुड़ के गुरु को शरण लेके, दीक्षा लेके भी गुरु को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत में भी ये, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट कभी कभी हम नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं। इट इज नॉट 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, इट इज 3.5। कौन सा वाला हाफ हो जाता है हम सबको पता है, बोलने का जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम कभी कभी गुरु के आज्ञा को भी चीटिंग करने का कोशिश करते हैं। नो अनियन गार्लिक इज वी विल ईट, हम मांसाहार नहीं खाएंगे, बट हम कभी चीटिंग करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में फिर भी खाना चाहते हैं। नो इलिसिट सेक्स इज सेक्स, नो सेक्स आउटसाइड मैरिज बट इवन विद इन मैरिज फॉर चाइल्ड, कभी कभी हम वहां पे चीटिंग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी हम रूल फॉलो कर रहे हैं लेकिन गुरु कुछ आदेश देगा तो उसमें कुछ चीटिंग करना चाहते हैं, अगर हम वो करना नहीं चाहते। हाल ही में हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज आए थे, ऑफकोर्स मैं उस टाइम इंडिया में था, मैं उनका एसोसिएशन, मेरा दुर्भाग्य है, मिस हो गया। परंतु महाराज अपने लेक्चर्स में कहते हैं, जब कोई आके मुझे कहता है महाराज व्हाट टू डू फॉर दिस, तो मैं जवाब देने के पहले बोलता हूँ इफ आई गिव यू द आंसर विल यू फॉलो, तो फिर मेरे से आके पूछो। तो उसी प्रकार से हम कभी कभी गुरु से क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उनसे अपना ही मनपसंद आंसर चाहते हैं, जो रियल आंसर है वो फॉलो नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से बलराम जी आदि गुरु हैं। तो यहाँ पर दूसरा सिद्धांत मैं सुन रहा था कि आदि गुरु या गुरु तत्व को भी सिंसियरिटी से सरेंडर करना है, उनको भी बेवकूफ बनाने का कोशिश नहीं करना है। क्योंकि एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि बिकॉज कृष्णा नोज एवरीथिंग एंड गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, गुरु नोज एवरीथिंग, कृष्णा विल टेल हिम, तो हम गुरु को चीट नहीं कर सकते।
कभी कभी होता है जब गुरु आते हैं तब हम हर प्रोग्राम में आते हैं, आगे आगे बैठते हैं, फोटो में भी आते हैं, और फिर गुरु चले जाते हैं, फिर हम रेगुलर प्रोग्राम में नजर नहीं आते हैं। बट हमको लगता है कि गुरु के आने के टाइम में अवेलेबल हो गया तो गुरु को लगेगा मैं हमेशा सेवा में हूँ, हमेशा सत्संग में हूँ। लेकिन गुरु नोज एवरीथिंग, तो गुरु को भी बेवकूफ हम नहीं बना सकते। रादर इन भगवान को, गुरु को बेवकूफ बनाने में हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हमें मृत्यु मिलेगी बार बार, जैसे रुक्मी को मृत्यु मिली। भगवान को भूल के भोग करेंगे, बेवकूफ बनाएंगे, गुरु को बेवकूफ बनाने का कोशिश करेंगे, बना नहीं पाएंगे। ये दोनों को हम बेवकूफ बना नहीं पाते, नहीं सकते। जिसने बनाने का कोशिश किया वो बर्बाद हुआ। हिरण्यकशिपु का क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत तरीके से उसने बेवकूफ मृत्यु का वर मांग लिया, लेकिन कुछ नहीं चली भगवान के आगे। इसी प्रकार से हम गुरु को भी फूल नहीं कर सकते। गुरु नोज एवरीथिंग, किसका क्या स्टैंडर्ड है, कोई क्या करता है। ऐसा नहीं है कि गुरु 24 घंटे हमारे साथ नहीं है तो उसको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। बहुत बार भक्तों का ये अनुभव होता था, वो कहते थे कि जब वो शिला प्रभुपाद जी के आगे आते थे तो उनको लगता था कि शिला प्रभुपाद जी की आंखें उनको चीर के एक्सरे की तरह अंदर से देख रही है। बहुत मेमोरीज ऑफ शिला प्रभुपाद में हमने ये सुना होगा। तो गुरु को ये एक्सरे विजन है, उसको मालूम है अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, हमारे हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज, तो एक बार एक डिवोटी मंदिर गए और महाराज थे, तो उन्होंने महाराज को बोला, महाराज दिस डेटीज आर सो ब्यूटिफुल। तो महाराज ने बोला, रियली इज इट सो, और यू फाइंड योर वाइफ वेरी ब्यूटिफुल। तो बोलने का मतलब ये है, आचार्य को सब पता होता है। अगर हम अपना हित चाहते हैं तो ईमानदारी से, सिंसियरिटी से उनको सरेंडर करें, जो वो बोलते हैं उसको फॉलो करें अपने लिमिटेड कैपेसिटी में जितना हम कर सकते हैं, ना कि जो हम हैं नहीं वो बताने का प्रयास करें, वो बनने का प्रयास करें। वो छल कपट से हमारा नुकसान ही होगा, और भगवान के साथ भी छल कपट नहीं करेंगे तो ही हमारा फायदा होगा। भगवान कहते हैं, यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनि अयवते, कि ये इंद्रिय तृप्ति दुख देगी, उसको स्वीकार करके भक्ति करें तो हमारा फायदा होगा। लेकिन यदि भक्ति में भी जुड़ने के बाद शॉर्टकट ढूंढेंगे, यहाँ कैसे इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, यहाँ कैसे विदेश का वीजा निकाल सकते हैं, यहाँ कैसे यूरोपियन औरत से शादी कर सकते हैं, यहाँ कैसे नाम कमा सकते हैं, मटेरियल लाइफ तो छोड़ के मैं मंदिर में जुड़ गया, लेकिन मटेरियल डिजायर अगर अभी भी पालना है तो पाल सकते हैं। तो भौतिक जगत में नाम शोहरत कमाना था, बिगेस्ट एमबीए, बिगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो तो हो नहीं सकता, छोड़ दिया ना। लेकिन मंदिर में हो सकता है, बिगेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बिगेस्ट संकीर्तन लीडर, बिगेस्ट फंड कलेक्टर। तो फिर भी अगर हम भगवान के साथ छल कपट करेंगे, फिर थोड़ी भक्ति करते हुए भी इन्हीं चीजों के पीछे पड़े रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये सब कर रहे हैं, राजा हमारा भी नाश होगा। चीटिंग नहीं कर सकते भगवान के साथ, अपने साथ भी चीटिंग नहीं, अपने साथ चीटिंग हो जाएगी। अब अपना हित चाहते हैं तो सिंसियरिटी में, शिला प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन के प्रीफेस में लिखते हैं, एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द परफॉर्मर। भक्ति में कितनी प्रगति होगी वो भक्त के मनोभावना पर आधारित है। अगर हमारा मनोभाव ईमानदार होगा
हमारी प्रगति होगी। भक्तों के लक्षण में गुण में बताया जाता है, एक गुण आता है सरल, डिवोटी सिंपल, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, नो डुप्लीसिटी, तो ये भी एक भक्त का लक्षण है। तो हमें भी सिंपल रहना है, जो अंदर है वो ही बाहर होना है, और अपना ईमानदारी से, भगवान से ईमानदार रहना है, गुरु से ईमानदार रहना है और भक्ति करना है, भगवान का पोजीशन समझना है। यहाँ ये राजा भगवान का पोजीशन नहीं समझ रहे, उनको लगता है ये कोई साधारण व्यक्ति है, इसको हरा देंगे। भगवान को कोई हरा नहीं पाया, इतिहास गवाह है कौन हराया भगवान को। हिरण्यकशिपु हराया नहीं, हिरण्यक्ष हराया नहीं, और कोई राक्षस, त्रिनाव्रता, प्रलंबसुरा, धेनुकासुरा, पूतना, कौन हराया भगवान को। लेकिन माँ यशोदा ने हरा दिया दामोदर लीला में बांध के, क्योंकि डिवोशन, चैलेंज में चीटिंग से भगवान को नहीं हरा सकते। ये समझना है, मुख्य सिद्धांत यही है, भगवान का स्थिति समझना है, धोखा नहीं करना है। और इस भौतिक जगत में सुबह से रात तक जो चल रहा है भगवान को धोखा, और उसको लेबल लगाया जाता है प्रोग्रेस, सफलता, हालांकि रियलिटी में देयर इज नो प्रोग्रेस। और भक्त को भी ये प्रोग्रेस की आइडिया से बचना है, हमें भी ये नहीं लगना चाहिए कि इधर कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। द प्रॉब्लम्स आर एज इट इज, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, प्रोग्रेस इज अ इल्यूजन, मटीरियल प्रोग्रेस इज अ इल्यूजन। देयर इज स्टिल, क्यों मटीरियल प्रोग्रेस होने के बाद देयर इज डिप्रेशन। इन द हिस्ट्री, समय में, इतिहास में, आधुनिक युग जितना डिप्रेशन या मानसिक बीमारी पहले नहीं होती थी। कभी हमने सुना था कि हमारे दादा परदादा डिप्रेशन में फंस गए, जबकि उनको 8, 9, 10 बच्चे होते थे पालने के लिए, हाँ, लेकिन उनका चेहरा हमेशा हंसता हुआ ही दिखता था। लेकिन अभी किसी को एक या दो बच्चा है तो भी, I can relate to this, तो भी उसका चेहरा हंसते हुए नहीं दिखेगा, तो क्यों? तो ये, और हम सफल हो गए, कैसे सफल हो गए? अब मैं जब छोटा था मुझे याद है, जब ये बॉडी छोटी थी मुझे याद है, मैंने नहीं सुना था कोई आत्महत्या किया। अभी हर आए दिन सुनने को मिलता है, पर हम सफल हो गए। हमारा कंप्यूटर पहले 28 MB का होता था, अभी हमारा मोबाइल ही 1 TB का आ गया, हम सफल हो गए। अरे बट पहला कोई सुसाइड नहीं कर रहा था, अभी सुसाइड बढ़ गया, आप किधर सफल हो गया? नहीं नहीं सफल हो गया, आप ज्यादा डेटा कैरी कर सकते हैं अब, बट आर यू हैप्पी, क्या आप खुश है? नो। अब पहले हमारा किचन में साधारण होता था, ये मशीन वो मशीन नहीं होता था, लेकिन लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, खुश होते थे। अभी किचन में सब मशीन है, सफल, लेकिन कोई भगवान को भोग नहीं लगा रहा है। घर में मंदिर निकल गए, मशीन आ गई, कोई साथ में बैठ के नहीं खा रहा है। लड़का अपने रूम में खा रहा है, लड़की अपने रूम में खा रही है, माँ अपने फ्रेंड से बात करते हुए खा रही है, पिता अपने ऑफिस में खा रहा है, बट सफल हो गए, क्योंकि मेरे किचन में ब्रेड बनाने का भी मशीन है, डिश वॉशर भी है, बड़ा अवन भी है, 1000 लीटर का फ्रिज भी है, मैं सफल हो गया। तो ये सफलता इल्यूजन है, सफलता नहीं हो रहा है इधर। अगर हम कृष्ण कॉन्शियस हो रहे हैं तो सफल हो रहा है। ये बहुत जरूरी सिद्धांत है, क्योंकि कभी कभी हम बहक जा सकते हैं सोच के कि नहीं नहीं इधर प्रोग्रेस हो रहा है, तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है।
चीटिंग ही चल रहा है भगवान को, हर कोई भगवान को भूल के एंजॉय करना चाह रहा है, ये चीटिंग है और कोई इसमें सफल नहीं हो रहा है। जैसे बलराम को चौसर में हराने से कोई सफल नहीं हुआ, वो मार दिया गया, उसी प्रकार से जो भगवान को भूल के भोग करेगा उसको मृत्यु ही प्राप्त होगी। 30-40-50 साल तक उसको लगेगा वो सफल है, परंतु कुछ सफलता नहीं होगी। ये शरीर छोड़ने के बाद उसे पता ही नहीं है वो कहाँ जाएगा। हाल ही में मैं श्रीमद् भागवतम में महाराज पुरंजन का कथा सुन रहा था, तो जब वो स्त्री महाराज पुरंजन के पास आती है तो उसको महाराज पुरंजन पूछते हैं कि आप कौन हो, क्या आपको पता है आप कहाँ से आए हो, या यहाँ से आपके साथ ये सहयोगी कौन है और आप कहाँ जाओगे। उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक जगत की स्थिति है, यहाँ किसी को पता नहीं होता वो कौन है। ये जो इंद्रियां, ये जो नव द्वार पूरे देही उसका सहयोगी है, ये जो 9 टाइप का लाइफ एयर है हमारा बॉडी में, ये जो हमारा सहयोगी है, ये कौन है, ये बॉडी कौन है, हमको पता नहीं होता। और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे वो भी हमको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपने आप को लेबल करते हैं सक्सेसफुल, क्योंकि हम कुछ पैसे कमा पाए, हम कुछ गाड़ी घर ले पाए, हम कुछ सेक्स लाइफ एंजॉय कर पाए, हम कुछ फैमिली बना पाए, परंतु ये रियल सफलता नहीं है। प्रभुपाद वहां बताते हैं जो जानता है वो कौन है, यहाँ ये शरीर और शरीर के जो इंद्रिया जो इसमें फंस गया है ये कौन है, और यहाँ के बाद वो कहाँ जाएगा वो कौन है, वो सफल है। और वो बलराम जी आदि गुरु का शरण लेके समझा जा सकता है, उनको चूना लगा के नहीं समझा जा सकता, भगवान को बेवकूफ बना के ये समझा नहीं जा सकता। हम जन्म जन्मांतर तक अज्ञान में फंस जाएंगे और उसका एक ही नतीजा होगा दुख। एक बार एक कथा में बताया जा रहा था, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ऑप्शनल, क्यों, क्योंकि वी आर इटर्नल। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे तो हम इटर्नली पीड़ा या दुख या अनहैप्पी रहेंगे, क्योंकि हम इटर्नल हैं। तो या तो हम कृष्ण कॉन्शियस होके इटर्नली ब्लिसफुल फुल ऑफ नॉलेज और इटर्नल हो जाएं, या तो हम नॉन कृष्ण कॉन्शियस होके इटर्नली फुल ऑफ इग्नोरेंस, इटर्नली फुल ऑफ मिजरी एंड इटर्नली टेम्पररी बॉडी बदलते रहेंगे, बिकॉज वी आर इटर्नल। तो इट इज नॉट दैट द प्रॉब्लम विल बी ओवर, इट विल इटर्नली कंटिन्यू इफ वी डोंट बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो अगर उसी बलराम तत्व का अगर हम शरण लेके कृष्ण भावना भावित नहीं बनते हैं तो हमेशा के लिए समस्या रहेगी। ये छोटी छोटी समस्याएं समस्या नहीं है, रियल समस्या है नो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसके कारण छोटी समस्या आ गई। कोई जेल में फंस गया, उसको नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी नहीं मिलना समस्या नहीं है, कल जेल में पानी मिल भी जाएगा वो समस्या नहीं है, समस्या है जेल में आ गया। उसी प्रकार से जॉब जाना, बीमार होना, नुकसान होना, रिश्ते टूटना, ये सब रियल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम और क्रिएट हो गए, एक छोटे छोटे प्रॉब्लम को अटेंड करके सॉल्व करेंगे तो रियल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, तो फिर ये छोटे प्रॉब्लम आ जाएंगे। और यदि रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये छोटे प्रॉब्लम क्यों ना आते रहे हमको अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम बॉडीली लेवल में है या मेंटल लेवल पे है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे रहने वाले आदमी को टच नहीं कर सकते। वो क्या श्लोक है,
शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, देह स्मृति नहा जार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको देह स्मृति नहीं है उसको संसार बंधन में किधर फंसेगा? तो जिसको देह स्मृति नहीं है वो संसार बंधन में नहीं है, तो वो संसार के प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। प्रॉब्लम है देह स्मृति, और देह स्मृति से हम निकल सकते हैं स्पिरिचुअल स्मृति में आकर। तो रियल सॉल्यूशन यही है कि देह स्मृति से निकला जाए और स्पिरिचुअल स्मृति में आया जाए, तब सब प्रॉब्लम खलास। और जब तक देह स्मृति में रहेंगे, भगवान को भूल के भोग करेंगे, भगवान को बेवकूफ बनाने का प्रयास करेंगे, उनके नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे, उनका नियम है बूढ़ा होना, हम एंटी एजिंग क्रीम निकालेंगे, कुछ फायदा नहीं है। उनका नियम है बीमारी होना, हम अस्पताल पे अस्पताल, मशीन पे मशीन, अल्ट्रासाउंड, रेडियोग्राफी, सोनोग्राफी। अभी आप फिक्र नहीं करो, आप रोबोट आके आपका ऑपरेशन करेगा, सब मशीन निकालेंगे, बट भगवान का नियम उल्लंघन नहीं करेगा। पहले रियल डॉक्टर के सामने मरते थे, अब रोबोट के सामने मरेंगे। तो मृत्यु डिजीज नहीं उल्लंघन कर पाएंगे, जन्म नहीं उल्लंघन कर पाएंगे, तो ये सब चलता रहेगा। भगवान को भूल के भोग करके उनके नियम को नहीं पार कर पाएंगे। दूसरा सिद्धांत श्लोक में है कि यहाँ भगवान गुस्सा दिखाते हैं बलराम, तो इस गुस्से को साधारण गुस्सा नहीं समझना चाहिए। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी इमोशंस हैं, लेकिन वो मटेरियल इमोशंस से अलग है। तो अगर हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में नहीं है, हमको ऐसे गुस्से को इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी अफेक्शन है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी एंगर है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी जोकिंग रस है, हेट्रेड है, ये सब रसा है। मुख्य पांच और सेकेंडरी सात, लेकिन ये स्पिरिचुअल है, हमको इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए। हाँ, बलराम को गुस्सा आता है, मुझे भी कोई डिवोटी कुछ कहता है, बलराम को गुस्सा आया, मेरे को भी गुस्सा आना चाहिए। नहीं नहीं हम स्पिरिचुअल लेवल में नहीं है, हमको इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरा सिद्धांत इस विषय में यह समझाया जा रहा था कि पहला तो भगवान को बेवकूफ नहीं बनाओ, शरण लो। दूसरा, जब भगवान के ऐसे क्वालिटीज को प्रदर्शित होते हुए देखते हैं, समझना है ये स्पिरिचुअल है। हमको कोई दांत दिखा के ऐसे कल हम उसको उठा के मार देवे, डजंट वर्क। हमको टॉलरेंट होना है, ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है, हम अभी मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है। शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किसी को डायबिटीज है, उसको डॉक्टर बोलता है शुगर मत खाओ। अगर वो सोचे कि मेरा पड़ोसी शुगर खा रहा है, उसको डायबिटीज नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम कहें बलराम को गुस्सा आ रहा है, वो शुगर खा रहा है, मैं क्यों नहीं खाऊं, तो सर उसको डायबिटीज नहीं है। हमको मटेरियल कॉन्शियसनेस का डायबिटीज है। आप ये गुस्से का शक्कर नहीं खाओ, आपको जब गुस्सा आता है इसको बंद करो। बलराम को डायबिटीज नहीं है, उसका गुस्सा स्पिरिचुअल है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त का गुस्सा स्पिरिचुअल है। प्रभुपाद जी को जब गुस्सा आता है वो स्पिरिचुअल है, हम इमिटेट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कृष्ण लीला में प्रेम है, तो डिवोटीज का भी स्पिरिचुअली प्रेम होता है, लेकिन हमें सावधान रहना है कि हमारा फैमिली प्रेम ये मटेरियल हो रहा है या स्पिरिचुअल हो रहा है। तो इस प्रकार से जो इमोशंस मटेरियल लाइफ में है वही स्पिरिचुअल लाइफ में है। बट मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आई एम नॉट फुल्ली स्पिरिचुअल, आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो जब तक हम साधना में होते हैं, हमको एडवाइस दिया जाता है,
कि जो ग्रेट डिवोटीज हैं और जो भगवान हैं और उनके अवतार हैं या उनके शक्त्याविष्ट अवतार हैं उनको इमिटेट नहीं करें, क्योंकि उनके इमोशन, उनकी भावनाएं स्पिरिचुअल है, हमारी नहीं है। उनसे शिक्षा लें कि जब भगवान और उनके भक्त के विरुद्ध कोई कुछ कहता है तो गुस्सा आना ठीक है, परंतु हम उठते बैठते हर छोटी बात पे गुस्सा करें और बोले बलराम को गुस्सा आया तो मुझे भी आना चाहिए, मैं बलराम का फॉलोअर हूं, तो हम अपराध कर बैठेंगे। हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम डायबिटीज फ्री नहीं है। डायबिटीज फ्री हो जाएंगे तो जितना चाहे शक्कर खाओ, अभी तक फ्री नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में जो इमोशंस हैं वो ट्रांसेंडेंटल होते हैं, उनको इमिटेट नहीं करना है, उनके उपदेशों का पालन करना है। गुरु तत्व जो कहता है वो करना है, गुरु जो करता है उसको इमिटेट करेंगे तो मर जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एक और सिद्धांत इस श्लोकों के विषय में बताया जा रहा था। 10 मिनट बाकी है प्रश्नोत्तर के लिए, एज पर द प्रोसीजर ऑफ NBS मैं छोड़ना चाहूंगा। मुख्य सिद्धांत, भगवान ही है बलराम, शक्ति और शक्तिमान के तरफ से भगवान अवतरित होते हैं, तो एनर्जेटिक के साइड से पहले अवतार है बलराम। तो इसलिए हम भगवान की स्थिति समझें, और जैसे यहाँ भगवान को गैम्बलिंग में हराने का, बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो ना करें। भौतिक दुनिया मीन्स भगवान को बेवकूफ बनाना, और इसमें लोग खुद को सफल होते हुए लेबल लगा सकते हैं, रियली आज तक कोई सफल नहीं हुआ। सफलता है उस भगवान की स्थिति समझना और उनका शरण लेना, उनकी सेवा करना, उसी बलराम तत्व गुरु के तत्व का शरण लेके, भक्तों का शरण लेके, वरना भगवान के नियमों को मटीरियली कोई चेंज नहीं कर पाया है न कर पाएगा। अभी मैं कितना भी कफ सिरप ले लूं, स्ट्रेप्सिल्स मुंह में रख लूं, लोसेंजेस ले लूं, जितना दिन कर्मानुसार मेरा थ्रोट खराब होना है होगा, मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। दूसरा सिद्धांत, भगवान में जो गुस्सा आता है, भगवान के शुद्ध भक्तों में जो गुस्सा आता है या प्रेम आता है या जो भी इमोशंस भावनाएं वो प्रदर्शित करते हैं, वो दिव्य स्थिति पर है, उनको इमिटेट नहीं कर सकते। हमारे को जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब दिव्य स्तर पर है। इसके पहले ही भगवान, उनकी अन्य पत्नियां, उनसे बच्चे हुए, वो सब वर्णन है। हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, हम एक शादी में 10 बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो हम सुन सकते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए, वो ले सकते हैं। तो ये 2 मुख्य सिद्धांत। तो यही कहते हुए 8 मिनट है। यदि किसी को कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करने का प्रयास करेंगे। और यदि किसी को जुड़े हुए काफी वरिष्ठ भक्त हैं जो आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एक बार फिर सेवा देने के लिए धन्यवाद। श्री बलराम की जय, जो आदि गुरु है। भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण की जय, गुरु की जय, गुरु तत्व की जय, सम्मानित भक्त वृंद की जय, आने वाले नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय।
शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद के, हरि हरि हरे कृष्ण कृष्णानंद किशोर प्रभु की जय, साधु 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 हरे कृष्णा। इस ग्रेट सिंह इनको आप कुछ बताना चाहते हैं? तो मैंने बोल दिया। ओके ओके, हरे कृष्णा। इस ग्रेट नंद किशोर प्रभु की जय। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुरुआत में बताया था आपका जो थ्रोट इन्फेक्शन है, फिर भी आपने आके इतना सुंदर तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स बता दिया, क्योंकि वो भगवान और गुरु की महिमा और हम भक्ति करते समय कितना दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। तो आपने भी वो आपका जो क्लास में आपका जो साधना कितना दृढ़ता से आप करते हैं, तो आपका जो लेक्चर से हमको मालूम हो जाता है दृढ़ता से पूर्वक इतना साधना करते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स भी बता दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप कृपया माइक अनम्यूट करके प्रभु जी से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा सा एक छोटा जिज्ञासा है। तो आपने क्लास में पूरा बताया था, जैसे हम भक्ति करते समय दीदी, तो मैं तो एक आश्रम में ही रहता हूँ, तो कई समय ऐसा हो जाता है तो हम कई चीज देखते समय पर भी गुस्सा आ जाता है, तो हम बोल दे देते हैं, पर बाद में हमको समझ में आ जाता है तो बोलना सही नहीं था, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें, या उसी समय कैसे हम उसको वो बोलने का वो सही तरीके से हम कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं? कृष्ण प्रश्न कर भानु स्वामी महाराज से क्लास में पूछा गया था, तो महाराज बोलते हैं कि हमको जिस हद तक होना चाहिए टॉलरेंट होना चाहिए, और जो अथॉरिटीज है, जो लीडर्स है, जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे है, वो उस इशू को करेक्ट कर सकते हैं या उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए थोड़ा हैवी होना चाहिए तो हो सकते हैं, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल हमको जितना हो सके टॉलरेंट होना चाहिए, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज ने बताया प्रभु। अथॉरिटीज, यात्रा लीडर्स, ये अपने अथॉरिटी सेवा के लिए हैवी हो सकते हैं, लेकिन हम जितना हो टॉलरेट करें, हमको कोई कुछ बोले या कुछ गलत देख रहे हैं, हम सही अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, हम अपने हाथ में बंदूक लेके नहीं चलाएं। जोलिनेस जयद्वीप स्वामी महाराज कहते हैं, हमको वैष्णव अपराध का AK-47 नहीं पकड़ना चाहिए कि जब भी कुछ देखा धड़ाधड़ चलाते गए, ये नहीं है, तुम 7-Up पी रहे, तुम पेप्सी पी रहे, तुम्हारा ये सही नहीं है, तुम्हारा धोती सही नहीं है, तुम 2 मिनट लेट आया मंगल आरती पे, कौन है, तो हम AK-47 चलाते जा रहे, ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता भी है कुछ गलत हो रहा है, अथॉरिटी है, उनको हम्बली रिपोर्ट करो, और अथॉरिटी क्या एक्शन लेगी वो लेगी, और अथॉरिटी भी सुधार लाने के लिए एक्शन लेनी चाहिए, लेती है, न कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो हम भगवान की लीलाओं में भी देखते हैं, जब इंद्र आके क्षमा मांगते हैं गोवर्धन लीला के बाद, तो भगवान कैसे बिहेव करते हैं, भगवान ने बोलते हैं तूने ये किया वो किया वो किया, धड़ाधड़ नहीं, उसको करेक्ट करना है। इस ग्रेस जगन प्रभु ने भी एक क्लास दिया था, डिसअप्रूव बट नॉट डिसओन। तो हम कुछ चीज नहीं अच्छा है डिसअप्रूव कर सकते हैं, बट धड़ाधड़ डिसओन करने लगते हैं, उसको निकाल दो, उसको फेंक दो, ये कर दो, वो डिवोटी नहीं है, उसका गुरु को कंप्लेन कर दो, उसको बदनाम कर दो, और अभी बदनाम करने के लिए तो बहुत ज्यादा ही मशीन है हमारे पास, सोशल मीडिया,
पहले तो किसी को बदनाम करना होता था तो फोन उठा के बोलना है, वो फोन उठा के किसी को बोलेगा, वो फोन उठा के किसी को बोलेगा। अभी तो बहुत इजी है, एक बटन दबाओ पोस्ट, वो बदनाम हो गया 10,000 लोग के बीच में 10 सेकंड में। तो हमको इस सबसे सावधान है, वी शुड बी टॉलरेंट ऑन पर्सनल लेवल। कुछ गलत देखते हैं अथॉरिटी को बोलो, अथॉरिटी जो करना चाहेगी करेगी, सिंपल। आई होप I said something that made sense from. Hare Krishna Prabhu, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, आप जो class के बारे में बहुत सारे प्रशंसाएं हैं chat box में, और last call में कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप कृपया आगे आके प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कुछ समय भी हो रहे हैं, 8 तो हो रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, तो आपका क्लास सबको समझ में आ गया ऐसा लगता है, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। तो आपका जो क्लास में पूरा गुरु और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद था, क्योंकि आपका जो पहले शुरुआत में इतना आप दिक्कत करते थे, फिर भी आपका जो क्लास बहुत सुंदर था। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। तो आपकी जो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीनंद किशोर प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस प्रभु, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है, पीछे से क्या मेरा आवाज नहीं प्रभु, इसकी पीछे आपका तो साउंड आ रहा है। ओके ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, अनंत कृष्ण जी गए हो, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपके बारे में क्या बोले पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, इतना इतना फैंटास्टिक क्लास, बाय गॉड, बाप रे बाप, हरे कृष्णा क्या बात करते हो, मतलब रियल टू रियल, मतलब एक टू पॉइंट, जैसे आपने पूरा जिंदगी में जो हो रहा है ना, एकदम रियल जो हो रहा है वो वास्तव में रख दिया आपने, प्रस्तुत कर दिया। अरे ऐसा है वास्तव में, हम तो क्षण क्षण में भगवान को चीट कर रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये भावना कैसे जाएगी प्रभु पता ही नहीं लगता, वास्तव में सही बोल रहे हो आप, हम भगवान को भी चीट कर रहे हैं, भक्तों को भी चीट कर रहे हैं, किस किस को चीट, हम अपने घर वालों को, ये प्रवृत्ति बस पता नहीं कैसे, ये कहां से ये उत्पन्न हुई है और वास्तव जा भी नहीं रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, कैसे करें इसको, चीटिंग प्रोपेंसिटी, बहुत बीमारी बहुत गलत लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो जब तक हम मटेरियल लाइफ में हम चीट ही कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली दिख सकता है जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, बट सब कोई चीट कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को चीट कर रही है, मैं उससे क्या ले सकूं, हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है, मेरा सेक्स के लिए ये मशीन है, मैं इससे क्या ले सकूं, बच्चे पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं, हम इनकी धन दौलत कैसे कमा सकें, माता पिता बच्चों को चीट कर रहे हैं, ये जाके बड़े होके बड़े देशों में पढ़ लें, हमारा नाम रोशन हो जाए, ऑफिस में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को चीट कर रहा है, सब चीटिंग ही चल रहा है प्रभु। और लेबल लगा दिया स्माइल, व्हाइट टीथ स्माइल, सफेद दांत, हंसो है, बट सब चीटिंग हो रहा है, सब अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है सब चीटिंग हो रहा है, एंड अबाव ऑल हम अपने आप को चीट कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस नहीं होके। तो ये रियलिटी है प्रभु, और इससे कैसे निकलेंगे वो भी यही है, जो चीटर नहीं है, जो शुद्ध भक्त है गुरु, अपने आप में नहीं बंद होगा ये चीटिंग, गुरु को भी चीटिंग करने का कोशिश करते हैं, अरे गुरु को मैंने बड़ा चेक लिख के दे दिया, अब एक साल बच गया, सब चीटिंग करने का कोशिश करते हैं। वो गुरु को कितना चेक लिखा वो भगवान देख रहा नहीं है, तुम कितना चेक नहीं लिखा बचा के रखा है घर वाले के साथ भोग कर रहा है वो भगवान देख रहा है। हमको लगता है मैं भगवान को 20,000 डोनेशन दिया,
तो जो 20 करोड़ बाकी पड़ा है भगवान वो देख रहे हैं, वो कब देगा। तो इस चीटिंग ही है प्रभु। तो जो चीटिंग नहीं है, जो शुद्ध भक्त है, उसका पैर पकड़ लिया तो बच सकते हैं, वरना कोई उपाय नहीं है। थैंक यू। और आपने बोला मेरे लिए क्या शब्द कहना है, एक ही शब्द कहना है प्रभु, रास्कल एक ही शब्द है, क्योंकि मैं भी चीटिंग ही कर रहा हूं और मैं भी कृपा चाहता हूं कि चीटिंग बंद करूं। अभी भी मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ के बहुत पर्सनल चीज ही ढूंढ रहा हूं, किधर है पैसा, किधर है हैप्पी लाइफ, किधर है नाम शौहरत, मैं यही ढूंढ रहा हूं। तो आप मेरे ऊपर भी कृपा करो प्रभु। नहीं प्रभु जी, आपके बारे में तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, और कुछ है भी नहीं आपके प्रभु जी। ये तो आपकी वेशभूषा, आपके बोलने का तरीका, आपका सब कुछ करने का तरीका, ये तो हो नहीं सकता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इसलिए प्योर, द आंसर इज प्योर डिवोटी कैन ओनली हेल्प हाउ टू गिव अप चीटिंग। Beautiful answer. Nice question. The answer was also nice. रसा संधु प्रभु ने पूछा कि ये चीटिंग प्रोपेंसिटी क्यों है और जाती क्यों नहीं है, है ना? तो संस्कृत का श्लोक तो याद नहीं है। इफ आई कैन एड, प्रभुपाद हमको अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बताते हैं ना, अपूर्ण इंद्रियां क्या, कारणपट। हाँ आपको याद है तो बोलिए। नहीं, I also don't remember. अच्छा, अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियों से क्या होता है, हम धोखा खा जाते हैं, और धोखा खाने के बाद क्या होता है, हम गलतियां कर बैठते हैं, है ना? और फिर गलतियों करने के बाद हम क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं खुद को और सबको। आपने बिल्कुल सही उपाय बता दिया, जो चीटर नहीं है उसके शरण में जाना चाहिए, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कल ऐसे विचार आ रहा था, बुरे लोग अच्छा व्यवहार करने वाले, हम उसकी शरण दें, हमको नहीं पता चलेगा, अच्छा व्यवहार देख करके हम मोहित हो जाते हैं। तो कुछ बुरे लोग, माने जो अभक्त हैं, जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान को चीट कर रहे हैं और मेकअप करके आते हैं अच्छा व्यवहार करने का, तो ऐसे लोग जो चीटिंग प्रोपेंसिटी रख करके बाहर से अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उनकी शरण दें धोखे में आकर के, या हम अच्छे लोग जो भगवान को चीटिंग नहीं करना चाहते हैं और गुरु की शरण में आकर के साधना सेवा कर रहे हैं, और वो कभी कभी बुरा व्यवहार करते हैं, हम किसकी शरण दें, है ना? अच्छे लोग बुरा व्यवहार करने वाले, या बुरे लोग अच्छा व्यवहार करने वाले? हरे कृष्ण। यस, वेरी ट्रू। हम कभी कभी अच्छे लोगों को बुरा व्यवहार देख करके हम उसमें भी धोखा खा जाते हैं, फिर हम निंदा करते हैं, अपराध करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु, आपका भी जो विचार आपने शेयर किया बहुत बहुत सुंदर। तो हम आप सभी की आज्ञा से अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मैं अभी इस ग्रेस परमानंद कृष्ण प्रभु का आमंत्रित करूंगा। प्रभु आप कृपया आगे आगे दामोदर देश यात्रा की तरफ से कुछ घोषणा है तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। साधु प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया क्लास। आपका स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी, इतने ट्रैवलिंग करने के बाद भी आपने ये सेवा एक्सेप्ट की, थैंक यू प्रभु। आपका ये सेवा का भाव इज रियली इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। मेरे को भी माइंड में डाउट, फोन करके बोलूं क्या कि नहीं हो पाएगा, तो मैं बोला नहीं नहीं मरने के टाइम तो इससे भी वर्स्ट हालत होगा, तो अगर अभी नहीं कृष्णा कॉन्शियस हो पाया तो तब कैसे होंगे। तो ट्राई कर लेते हैं ब्रो। वाह जी वाह, क्या बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका कृपा से ही ट्राई किया प्रभु, आपका कृपा से ही शक्ति मिलता है प्रभु, जो सेवा देता है वही शक्ति देता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो मैं भी आपको शक्ति नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ कनेक्टिविटी दे रहा हूँ। मेरे को भी शक्ति कहीं से आ रही है, अगर आ रही होगी तो वो आपके लिए है।
मैं को सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप इसको दे दो सेवा, मैं दे देता हूँ आपको सेवा, तो आपका ऊपर बड़पन है कि भाई आप एक्सेप्ट करते हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ये उत्साह आपका देख करके यू नो वी शुड लर्न कि भाई हमें कभी भी सेवा मिले तो उसे छोड़ना नहीं है। हम यहाँ पे इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब लोगों से कि कृपा करके आगे आइए, सेवा में आगे आइए, सेवा में आगे आइए। हरे कृष्णा, कुछ कुछ लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, अपना नाम रजिस्टर करा रहे हैं सेवा के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो सेवा से चोरी कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, सेवा नहीं लेना चाहता, कोई काम में बहानाबाजी करता रहता हूँ मैं। आपकी सेवा लंच आपकी सेवा है जो नंद किशोर जी प्रभु बोल रहे हैं कि भाई आप एम्पावर करते हैं हमको बैठे बैठे कि हम लोग सेवा करें, तो वो सबसे बड़ी सेवा है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। ये देखिए सेवा अपॉर्चुनिटी है, हमारे सुभाष प्रभु जी एकदम तत्पर रहते हैं सबको सेवा में जोड़ने के लिए। हरे कृष्णा, हमें रियली सेवादारी चाहिए और बड़ी सरल सेवा, बड़ी छोटी सेवा है हमारी वो क्या प्रेमामयी सत्य भाई माता जी की छोटी पुत्री चित्रा, छोटी है कितनी सी, वो भी कितनी सेवा करती रहती है। देखिए वो भी आके सेवा करती रहती है, तो जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें उनसे भी सीख मिलती है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच नंद किशोर प्रभु जी। आज का यही घोषणा है कि भाई हमारे इस रविवार के दिन बहुत ही बड़ा उत्सव है, नरसिम्हा चतुर्दशी है, सो कृपा करके आइए, हमारे रीजन इंटरनेशनल स्कूल में होगा। शायद थोड़ा टाइमिंग में चेंजेस होगा, अभी कंफर्मेशन नहीं है। ज़्यादा करके मोस्टली हम लोग अभिषेक वगैरह जो है शाम को वहाँ करेंगे, पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। कन्फर्मेशन आते हैं आपको अपडेट कर देंगे। तो नरसिम्हा चतुर्दशी है, शाम को संध्या तक उपवास रखना है हमें, उसके बाद ही हमें कुछ खाना है। और हमारे सेवानंद प्रभु जी, उनका आज आँखों का थोड़ा सा ऑपरेशन है कैटराइट का, उनके लिए प्रेयर की रिक्वेस्ट आई है। हरे कृष्णा, और किसी को कुछ प्रेयर करना हो तो हमारे रत्नभूषण प्रभु जी से कह सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, सुभाष प्रभु, आप कुछ वीडियो कुछ प्ले करना चाहते हैं सेवा का? नहीं प्रभु, हो गया है, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु। तो हम आज के जो लास्ट प्रेयर्स रिक्वेस्ट हैं उसके तरफ जाते हैं। तो आज बहुत सारे प्रेयर्स रिक्वेस्ट आया है भक्तों की तरफ से। पहला सुभाष प्रभु लिखते हैं, हर ग्रेस तेजस्विनी रुक्मिणी माता जी के लिए, और हमारे जो शिवानंद प्रभु उनकी धर्मपत्नी सुषमा राव उनकी उनके लिए, और सेवानंद प्रभु का जो आई सर्जरी है उनके लिए, और ममता माता जी लिख रहे हैं, ममता माता प्रेयर्स फॉर हर डॉटर पर्ल फॉर हर एग्जाम। और कोई भक्त का कुछ प्रेयर्स रिक्वेस्ट है तो आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के जो प्रवचन करता हिज ग्रेस नंद किशोर प्रभु, उनकी स्वास्थ्य के लिए भी हम स्पेशल प्रार्थना करते हैं भगवान से और श्रीले प्रभुपाद जी से। प्रभु जी, हमारे रतन कुमार प्रभु जी है जो नरोत्तम कृष्ण प्रभु जी के पिताजी, उनके लिए भी प्रेयर करना है। और हमारे गुप्ता जी हैं, तो हमारे रजलीला प्रभु जी के पिताजी, उनके लिए भी प्रेयर। ओके प्रभु जी, तो सभी भक्तों के लिए हम प्रार्थना समर्पित। हरे कृष्ण। माय फ्रेंड फादर आल्सो आईसीयू प्रभु जी, गंगाधर नेम। ओके माता जी, तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रसाद गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू सो मच। तो सभी वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा लेते हुए आज का ये कार्यक्रम को आज हम इधर स्थगित करते हैं, कल मिलने की आशा करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।